सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले जो मैं लिखवा रहा हूं दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर बॉडीज व्हेन दे आर रोटेटेड अबाउट अ रेगुलर एक्सेस। दिस इज अ रेगुलर बॉडी और इसको एक रेगुलर एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करके लिखा। Now, when the same body is rotated about some irregular axis, कोई दूसरी किसी random axis के about इसी body को यदि rotate करा जाए तब moment of inertia क्या होगा? Definitely we'll deal with that thing when we go over parallel axis theorem and perpendicular axis theorem। ये पूरे article समझाने के बाद मैं दो theorem बताऊंगा, पैरेलल एक्सेस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। उन दोनों थ्योरम के द्वारा हम यही बात सीखेंगे कि यदि इसी बॉडी को हम इस एक्सेस के अबाउट रोटेट करने के बजाय किसी दूसरी एक्सेस के अबाउट रोटेट करते तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाए, कैसे डिटरमाइन करा जाए। बट डेफिनेटली दैट वुड बी द सेकेंड पार्ट ऑफ द आर्टिकल। पहले हम रेगुलर बॉडीज का, रेगुलर एक्सेस के अबाउट हर तरह की बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लेते हैं, फिर हम इरेगुलर एक्सेस पर अवश्य आएंगे। इफ वी हैव गॉट अ थिन हॉलो स्फीयर, यदि थिन हॉलो स्फीयर होता मास एम रेडियस आर, वी ऑल्सो कॉल इट अ शेल। जैसे वो जो टेनिस बॉल होती है, जो प्लास्टिक की बॉल होती है अंदर से खोखली, इस तरह की बॉल को डायमेट्रिक एक्सेस के अबाउट रोटेट करा जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इफ वी हैव थिन हॉलो स्फीयर, we also call it a shell or a shell, its mass is m and radius is r, if this thin hollow sphere is being rotated about any of its diameter, इसे किसी भी डायमीटर के अबाउट रोटेट करा जा रहा है, इन दैट सिचुएशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस सिचुएशन में इस शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आई विश टू डिटरमाइन दैट। आई नो द रिजल्ट, इट्स 2/3 mr². द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/3 mr². मैं इस रिजल्ट को ऑब्टेन करना चाहता हूं। जनरली प्रॉब्लम में सीधा सीधा रटा हुआ हो तो काम आ जाता है, मगर यदि कोई ट्विस्टेड प्रॉब्लम आ जाए तो हमें डेरिवेशन भी जानना जरूरी है। वंस अगेन मैं डेरिवेशन सिर्फ इसलिए भी बताता हूं सो दैट कि यह जो कंसेप्ट है कैलकुलस के, डिफरेंशियल कैलकुलस के, इंटीग्रल कैलकुलस के, जो डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करना, उनको इंटीग्रेट करना, यह न केवल इस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करता है बल्कि और भी कई दूसरी जगह पर जब भी इनका एप्लीकेशन आता है तो आप इन्हें सोच पाते हो, अप्लाई कर पाते हो। इनफैक्ट एक तरीके से हम जब यह काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा कैलकुलस भी रिवाइज कर रहे होते हैं, कैलकुलस के एप्लीकेशन को भी समझ रहे होते हैं। इस थिन हॉलो स्फीयर जिसका मास एम है, रेडियस आर है, इसके लिए हमें डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने से पहले हम एक कांस्टेंट और एक यूनिफॉर्म टर्म
इंट्रोड्यूस करें, उसको डिफाइन करें। सबसे पहले इसमें मास यूनिफॉर्मली कर्व्ड सरफेस एरिया पर फैला हुआ है। द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर कर्व्ड सरफेस एरिया। अंदर कोई मास नहीं है और पूरे कर्व्ड सरफेस पर मास फैला हुआ है। आई डिफाइन मास पर यूनिट कर्व्ड सरफेस एरिया, वी डिनोटेड बाय सिग्मा। द मास इज एम एंड द एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर एंड इट्स अ कॉन्स्टेंट। मास पर यूनिट कर्व्ड सरफेस एरिया विच वी डिनोट बाय सिग्मा इट्स एम बाय 4 पाई आर स्क्वायर एंड इट्स अ कॉन्स्टेंट। अब मुझे एक डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करना चाहिए और उस डिफरेंशियल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेफरेंस एक्सिस के अबाउट लिखना चाहिए। देखिए, डिफरेंशियल एलिमेंट इस जगह पर सेंटर है, मैं इस तरह से एक एलिमेंट चूज कर लेता हूं। यह एक एलिमेंट मैंने चूज करा। इस एलिमेंट का शेप विजुलाइज करने की कोशिश करें, इट वुड बी अ बिट लाइक दिस। इस तरह से यह एलिमेंट होगा, इट वुड बी अ रिंग, एक रिंग होगा वह। अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए कुछ वेरिएबल पैरामीटर्स हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यह एक्स एक्सिस से इस एलिमेंट को मैं थीटा एंगल पर कह देता हूं। डी थीटा विड्थ का यह एलिमेंट है, जिसकी दूरी है वाई। इसकी विड्थ है डी वाई, इसका रेडियस है आर। इस तरह से मैंने मल्टीपल पैरामीटर्स अभी तो इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। और जो इतने सारे पैरामीटर्स हमको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हमें इन्हें रिलेट करके इंटीग्रेट करते समय तो सिर्फ एक ही वेरिएबल पैरामीटर पर सारा काम करना होगा। थीटा एंगल पर, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर, और यह जो एलिमेंट है डी थीटा एंगल सब्टेंड करता, यह एक सर्कुलर रिंग है जिसका की रेडियस आर होगा। y की दूरी पर है यह, डी वाई विड्थ का है और इसका मास dm है, इसका मास dm है। अब हमें कोई एक पैरामीटर, ये सारे थीटा भी वेरिएबल है अलग अलग एलिमेंट के लिए, इधर जो मैं एलिमेंट लूंगा उसके लिए थीटा 90 डिग्री है, इस जगह पर जो एलिमेंट लिया मैंने उसका थीटा 90 से कम, 0 से ज्यादा, इस जगह पर जो थीटा लिया, इस जगह पर जो एलिमेंट लूंगा उसके लिए थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, इधर थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इधर नेगेटिव कुछ वैल्यू थीटा की, और इस जगह पर जो एलिमेंट लूंगा उसके लिए थीटा की वैल्यू -π/2। थीटा वेरिएबल है, इसी तरह से आर भी वेरिएबल है। इधर रिंग का रेडियस कुछ और है, इधर रिंग का रेडियस कुछ और होगा, इधर रिंग का रेडियस 0 और इधर रिंग का रेडियस कैपिटल आर। इस तरह से रिंग का रेडियस भी वेरिएबल है और वाई की वैल्यू भी वेरिएबल है। इधर जो एलिमेंट लिया उसके लिए वाई इक्वल टू आर, वाई कम होता जाएगा, वाई 0 हो जाएगा इधर तक आते आते, और नीचे जब जाएंगे तो वाई की वैल्यू -r होगी। हमें
सबसे पहले डीएम मास लिखने की हम कोशिश करते हैं। डीएम मास लिखने के लिए रेडियस यह एंगल थीटा है, तो यह एंगल थीटा हुआ और स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हम लिख सकेंगे कॉस थीटा, स्मॉल आर इज कैपिटल आर कॉस थीटा। द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज 2πr और 2π कैपिटल R cos थीटा। इस एलिमेंट का यह लेंथ हो गया, टोटल सर्कमफेरेंस पेरिफेरी रेडियस R है, सर्कुलर एलिमेंट है तो 2πr यह टोटल लेंथ हो गया। इसकी विड्थ कर्व्ड विड्थ, दिस इज द कर्व्ड विड्थ, दिस कर्व्ड विड्थ वुड बी कैपिटल आर डी थीटा, दिस इज द कर्व्ड विड्थ। हम कहते हैं इसका जो डिफरेंशियल एरिया होगा दैट इज लेंथ इनटू कर्व्ड विड्थ 2πr cos theta into r d theta, जिसका एरिया होगा 2πr² cos theta d theta। इसका dm मास अब हम लिख सकते हैं दैट इज मास पर यूनिट एरिया into its area। मास पर यूनिट एरिया के लिए देखू मैं m by 4πr² into 2πr² cos theta d theta। इसका मास dm is m by 2 cos theta d theta। There is the mass। यह काम हम पहले भी कर चुके हैं सेंटर ऑफ मास के समय, वही काम एक और बार एक और तरीके से दोहराया। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बजाय मैं y को इंटीग्रेट करना चाहता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के बजाय y को इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो मैं cos थीटा को हटाऊंगा और y और dy के टर्म्स में लिखूंगा, इजी रहता है थोड़ा। y by capital R is sin थीटा, y by capital R is sin थीटा, जरा देखिए this y this R this थीटा, y is equal to R sin थीटा, dy by d theta is r cos theta, dy by d theta, so cos theta d theta is dy by r। मैं dm की जगह यही चीज लिख रहा हूं, dm is n by 2 cos theta d theta, cos थीटा डी थीटा की जगह डीवाई बाय आर एम बाय टू इंटू डीवाई बाय आर। बड़ा एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बनता हुआ दिख रहा है मुझको। अब इस रिंग का रेडियस आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, दिस आर स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब इस रिंग का, यह एक टेन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है जिसका मास डीएम है, जिसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई होगा आर स्क्वायर डीएम. इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई वुड बी आर स्क्वायर की जगह आर कैपिटल आर माइनस आई स्क्वायर और डीएम की जगह एम बाय टू आर इंटू डी वाई. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Differential moment of inertia of the differential ring. Total moment of inertia determine करने के लिए हम integral of di करेंगे. Integral of di करते समय m by 2r constant है बाहर रखेंगे, m by 2r constant बाहर रखेंगे और अंदर रह जाएगा r square minus y square into dy. अब इंटीग्रेशन के लिमिट्स चेक कर लें. हम y को इंटीग्रेट कर रहे हैं, पूरा का पूरा फंक्शन y के टर्म्स में है, y को इंटीग्रेट कर रहे हैं. y शुड गो फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर, माइनस आर टू प्लस आर. इंटीग्रेट करके वेरीफाई कर लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड कम आउट टू बी 2 by 3 m r square. Radius of gyration determine करने के लिए total mass m, radius of gyration की दूरी पर, radius of gyration would be capital R into root of 2 by 3. This is moment of inertia of a thin hollow sphere. रटा हुआ होना जरूरी है. Derive तो सिर्फ इसलिए करा है जिससे कि concept पूरी तरह से clear रहे. Differential और integral calculus का applications भी समझ में आए और किस तरह से इस तरह की equations, ये इस तरह के expressions आए हैं यह पता लग जाए. बट अल्टीमेटली इन एक्सप्रेशंस का रटा हुआ होना जरूरी है. जब भी एग्जामिनेशन में आता है तो सीधा सीधा अप्लाई करें. ध्यान से पूरे डेरिवेशन को देखें. I'll proceed. Let's proceed. In hollow sphere or shell, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डायमेट्रिक एक्सेस के अबाउट डिटरमाइन करा और वहां डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 बाय 3 एम आर स्क्वायर आया. अब इसी रिजल्ट को, इसी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए हम डिटरमाइन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर हैविंग मास एम एंड रेडियस आर व्हेन इट्स रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर. हमें रिजल्ट ऑलरेडी पता है वैसे 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर. उसी चीज को हम वेरीफाई करेंगे, ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे. लेट्स चेक कि हमें कैलकुलस आता भी है या नहीं. इस तरह की चीज जो हमें पता है वो हम डिराइव भी कर पाते हैं या नहीं. फॉर अ सॉलिड स्फीयर मास एम एंड रेडियस आर if it is rotated about any of its diameter. Solid sphere mass m and radius r. यदि इसे किसी भी डायमीटर के अबाउट रोटेट करा जाए
मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर. लेट्स ट्राई टू ऑप्टेन एंड वेरीफाई दिस रिजल्ट. इस एक्सप्रेशन को हम ऑप्टेन करने की कोशिश करेंगे, इसे वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे. वंस अगेन, एक काम को करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं. यदि आप सही तरीका अडॉप्ट करोगे, सही कंसेप्ट, सही फंडामेंटल लगाओगे, तो हर तरीके से आंसर सेम आएगा. मगर उन मल्टीपल मेथड्स में से एक मेथड हमेशा ऐसा होता है जो सबसे कम समय लेता है और सबसे कम स्टेप में सबसे जल्दी रिजल्ट आ जाता है. इस रिजल्ट को ऑब्टेन करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह होगा कि हम इस तरह का कॉन्सेंट्रिक थिन हॉलो स्फीयर एक डिफरेंशियल एलिमेंट के रूप में लें. यदि हम इस तरह का एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं और इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पिछले आर्टिकल में हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है उसे यदि हम अप्लाई करते हैं तो सबसे आसानी से सॉलिड स्फीयर का यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिजल्ट आएगा. इसी समय कोशिश कीजिए और 2/5 एम आर स्क्वायर आप ऑब्टेन कर पाते हैं या नहीं देखिएगा. आपको यह डिफरेंशियल एलिमेंट लेना चाहिए. हम सबसे पहले एक कांस्टेंट टर्म डिफाइन करेंगे एंड दैट कांस्टेंट टर्म मस्ट बी इन द सिचुएशन मास पर यूनिट वॉल्यूम जो कि यूनिफॉर्म रहेगा. रो से डिफाइन करेंगे. इसका मास एम है और वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब. मींस इट बिकम्स 3m/4 पाई आर क्यूब एंड दिस वुड बी अ कॉन्स्टेंट. यह एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी. हम यह जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है जिसका कि रेडियस आर है और विड्थ डी आर है, इसके लिए हम एरिया लिखेंगे 4πr², जिसकी विड्थ लिखेंगे डी आर. अब इसका डिफरेंशियल वॉल्यूम कितना होएगा? डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट वुड बी एरिया इंटू विड्थ और 4πr² इंटू डी आर. यह डिफरेंशियल वॉल्यूम हो जाएगा. टोटल सरफेस एरिया इंटू इट्स विड्थ, यह वॉल्यूम हुआ. इसका मास dm वुड बी मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू dv. मास पर यूनिट वॉल्यूम है 3m/4πr². इंटू डिफरेंशियल वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेशन हमने लिख दिया है 4πr² dr. 4π से 4π कैंसिल होएगा और डिफरेंशियल मास हमें दिखने लगेगा 3m/r² dr/r³. दिस इज द डिफरेंशियल मास ऑफ दिस
थिन हॉलो स्फीयर, इस थिन हॉलो स्फीयर को डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट रोटेट करा जा रहा है। इसका डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पिछले आर्टिकल से लिखेंगे। पिछले आर्टिकल में हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि इस तरह का थिन हॉलो स्फीयर यदि डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट करा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 इंटू इट्स मास इंटू इट्स आर स्क्वायर। सो दिस डी आई इज 2/3, मास इज 3m/r³ इंटू आर स्क्वायर डी आर होल इंटू आर स्क्वायर, और दिस डी आई इज 2m/r³, 3 से 3 कट गया, 2m/r³ इंटू r⁴ डी आर। दिस इज डी आई, द डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट अबाउट द एक्सिस। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए वी इंटीग्रेट डी आई, वी इंटीग्रेट 2m/r³ इंटू r⁴ डी आर। आई इज इक्वल टू 2m/r³, कॉन्स्टेंट है इसलिए इंटीग्रल साइन के बाहर आ गया, और अंदर रह गया r⁴ डी आर। अब जरा लिमिट चेक कर ले, पहला हम स्फीयर लेंगे उसका रेडियस 0 होगा, और आखिरी जो स्फीयर लेंगे उसका रेडियस कैपिटल आर होगा, 0 to R। इट्स r⁵/5। टू एम बाय आर क्यूब इंटू r⁵/5 फ्रॉम 0 to R, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी 2/5 mr². इसी समय इतने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के बाद एक मैं इसी समय आपको क्लास असाइनमेंट दूंगा, अभी के अभी इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटरमाइन करके आपको मुझे बताना है। इट वुड बी फॉर अ सॉलिड कोन, मास m, रेडियस r, हाइट h, बेस रेडियस r, हाइट h, एंड हाफ एंगल थीटा। ध्यान से ऐसे देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और इसी समय दैट इज अ क्लास असाइनमेंट, आई विल सी कितने लोग इस काम को कर पाते हैं, जवाब दे पाएंगे। एनी डाउट इन दिस आर्टिकल? सॉलिड कोन हाफ एंगल अल्फा बेस रेडियस आर हाइट एच एंड मास एम।
दिस इज अ सॉलिड कोर। इस सॉलिड कोन को एपेक्स से पास होते हुए इस एक्सेस के अबाउट रोटेट करा जा रहा है। इसमें यह हाफ एंगल अल्फा है, यह बेस रेडियस आर है, इसका यह हाइट एच है और इसका मास एम। इस एक्सिस के अबाउट यदि इस सॉलिड कोन को रोटेट करा जाता है तो इस सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा। मैं आपको 5 से 10 मिनट का समय दूंगा, इसी समय यह चीज ऑब्टेन करके मुझे बताओ। आई विल से टू इट हाउ मेनी ऑफ यू हैड लर्न हाउ टू डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया।